अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से हैं। जितने मीठे और प्यारे आप सब हैं, उतनी ही आज की इस वीडियो की रेसिपी मीठी और प्यारी होगी, बिल्कुल आपकी तरह। तो आज मैं आपको ज़रदा बनाने का तरीका और रेसिपी बताने लगी हूँ। आपको मेरे चैनल पे खुश आमदेद, आप देख रहे हैं शकीलास किचन एंड ब्लॉग्स। हमेशा की तरह अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारी रेसिपीज मिलती रहें। थैंक यू। तो ज़रदा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चावल, तो आप बासमती चावल ही इसके लिए अच्छे रहते हैं। मैं टिल्डा बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। मैंने 1 कप इधर भिगोए हैं। सबसे पहले मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है 3 से 4 बार। जितनी देर तक ये पानी साफ़ हो जाए और थोड़ा लेस क्लाउडी हो जाए, इसको आपने वॉश करना है और फिर 20 मिनट तक इसको भिगो के रख देना है। एक पैन में आपने पानी डालना है, खुला सा पानी डालना है। उसमें 2 बेलीफ डाल दें, 3 इलायची, ग्रीन इलायची डाल दें और 1 स्टार एनीस, जिसे बादियान का फूल कहते हैं, वो डाल दें और पानी को उबलने के लिए रख दें। साथ ही मैंने भीगे हुए चावल डाल दिए थे, थोड़ा सा इनको हिला लें और फिर इनको उबलने के लिए रख दें। क्योंकि ज़रदा येलो होता है तो हमें येलो फूड कलर चाहिए। इधर मैंने एग येलो कलर यूज़ किया है। आप थोड़ा सा पहले इसमें डालें और फिर इस चेक कर लें उसका कलर कितना है। अगर लाइट है थोड़ा और डाल दें, लेकिन ज़रदा जो है ज़रदे की तरह ही अच्छा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा आप कलर डालेंगे तो वो ऑरेंज हो जाएगा और ऑरेंज ज़रदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो ऑरेंज तो गजरेला होता है ना, या गाजर का हलवा होता है, ज़रदा तो येलो ही होना चाहिए। चावलों के पास ही आपने खड़े रहना और इसको साथ साथ चेक करते रहना है कि वो ओवर कुक ना हो जाएं, ज़्यादा गल ना जाएं, अदरवाइज़ वो मुशी हो जाएंगे। इनको 90% तक आपने बॉईल करना है और इसको फिर सिव में आप इसका पानी निकाल दें। ऊपर से ठंडा पानी टैप ओपन करें, क्योंकि ठंडे पानी से ये होगा कि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा और चावल ओवर कुक नहीं होंगे और मुशी नहीं होंगे। चावलों का पानी आप अच्छी तरह से स्ट्रेन करें और फिर को हल्के हाथों से इसको हिलाएं ताकि ये चावल आपस में जुड़े नहीं। फिर एक पैन में आप ऑयल डाल के रख दें। मैंने 1/4 कप ऑयल इसमें डाला है। आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं। और 3/4 कप मैंने इसमें शुगर डाली थी और तकरीबन 4 टेबलस्पून तक मैंने इसमें मिल्क डाला था और इसको हल्की आंच पे शुगर को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने ग्रीन इलायची डाल दी थी 2 से 3। साथ साथ इसको आप हिलाएं ताकि शुगर नीचे से सख्त ना हो और अच्छी तरह से अब मेल्ट हो गई है ये। इसमें हम आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने पिस्ता डाला था, बादाम, कोकोनट, सौगी डाली थी, रेजिन्स और साथ में ग्लेज चेरीज डाली थी और साथ में थोड़ा सा मैंने केवड़ा वाटर डाला था। आप इसके साथ रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं 1 or 2 टेबल स्पून। उसके साथ खुशबू बड़ी अच्छी आती है केवड़ा वाटर और रोज़ वाटर के साथ। और ऑरेंज पील को आप ऑरेंज खा के, तो ऑरेंज का छिलका जो है उसको बारीक बारीक काट के आप इसमें डालें तो उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। मेरे पास इस वक्त ऑरेंज नहीं था, वरना वो मैंने लाजमी डालना था। और फिर आप इसमें आप उबले हुए चावल डाल दें और इसको हल्का सा हिलाएं और अच्छा, ताकि शुगर और चावल अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएँ। यहाँ पे आंच आपने थोड़ी सी मीडियम से हाई रखनी है, क्योंकि जब चावल इसमें डालेंगे तो शुगर पानी छोड़ने लग पड़ती है। तो चावल तो ऑलरेडी हमारे गले हुए हैं तो इनको मज़ीद गलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होगा तो चावल मुशी होने लग पड़ेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए हमने तेज़ आँच पर इसको कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है और फिर हमने हल्की आँच पर इसको 10 से 15 मिनट तक दम पर रखना है। नीचे कोई तवा रख लें या पैन रख लें। मेरा पॉट काफ़ी थिक था इसलिए मैंने नहीं रखा था, ये क्ले पॉट है, मैंने टीके मैक्स से लिया था अगर किसी को पूछना था। और फिर मैंने इसे ड्राई रोज़ पेटल के साथ गार्निश किया था। ये तो आपके अपने ऊपर है कि जितना आप इसको बनाना और संवारना चाहते हैं। तो फिर मैंने इसे लैम्ब पुलाव के साथ सर्व किया था। पुलाव हो और साथ में ज़रदा ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जब हमारे घर में पुलाव बनता है तो ज़रदा लाजमी बनता है। पुलाव और ज़रदे का जोड़ तो हमेशा हमेशा से है और इसको मिक्स करके खाने का अपना ही एक मज़ा है। अगर आपने अभी इनको मिक्स करके नहीं खाया, इसको ट्राई नहीं किया, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। देखें चावल कितने खिले खिले हैं, बिल्कुल जुड़े नहीं, कलर इसका कितना नाइस है।
मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। पुलाव की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर उसे देखिएगा। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।